Write down inverse function. Inverse function. हेडिंग लिखो इनवर्स फंक्शन. लास्ट टाइम अपन ने क्या सीखा था कि फंक्शन का इनवर्स यदि एडजस्ट करना है तो फंक्शन को वन वन ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा. सो लेट्स से क्या सीखा था उसमें कि कोई एफ फंक्शन है एक्स टू वाई, है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स जो होगा वाई टू एक्स होगा, मतलब रिवर्स फंक्शन होगा, वाई टू एक्स होगा और इसको वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स बोलेंगे. बात समझे, ऐसा बोलेंगे, मतलब एफ एक्स की डोमेन यदि एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, कैपिटल वाई. ठीक है, यहाँ पे एफ इनवर्स की जगह जी लिया था, है ना, या इसी की जगह एक ऐसा फंक्शन लिया था जी वाई टू एक्स, वाई इज इक्वल टू जी एक्स. हमने कहा था कि इसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए थी. पहली कंडीशन थी कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, बताओ यहां पर देखो किसकी डोमेन, हाँ तो एक्स आइडेंटिटी ही तो है, एक्स आइडेंटिटी ही तो है, लेकिन जो एक्स होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, जो जी एक्स का डोमेन है, जी एक्स का डोमेन मतलब वाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई. इन द सेम वे दूसरा क्या होना चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब किसकी डोमेन, किसकी डोमेन में होना चाहिए, एफ एक्स की डोमेन, एफ एक्स की डोमेन क्या है, कैपिटल एक्स. ऐसा सिचुएशन है तो दो तरह से अपन इसको इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दो तरह से अपन डील कर सकते हैं कि या तो अपन फॉग गॉफ दोनों को एक्स के इक्वल रखें, या फिर अपन एक काम और कर सकते हैं कि यदि हमने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन वन वन और ऑन टू है अपने डोमेन डोमेन में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं. और राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका क्या है और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसको प्रूव करने का वे क्या है. राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन है, लेट एफ एन टू वाई बी अ फंक्शन, ना लिखते जाओ बच्चा हर्षिता लिखो इसको, लेट एफ एन टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स 4x plus 3, where y equals y belongs to natural number such that y equal to 4x plus 3 for x belongs to natural number, so that f is invertible, f is invertible, find the inverse. Answer karo. क्वेश्चन समझ आ रहे,
पहले तो हमें ये देखना कि शो करना है कि फंक्शन का फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। कैसे शो करें? दो तरीके हैं। पहला मेथड है कि फंक्शन को 1-1 on 2 प्रूफ कर दें, या दूसरा जो फंक्शन की जो इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करें। सो मेथड नंबर 1 करते हैं। 1 पहले चेक करते हैं 1-1 नेचर। क्या नेचर चेक करते हैं? 1-1 नेचर, अननेचर। कैसे चेक करेंगे? लेट x1, x2 belongs to natural number। तो 1-1 नेचर के लिए क्या जरूरी था? f of x1 is equal to f of x2 imply fx1, fx ये है, कितना आ जाएगा? 4x1 + 3 = 4x2 + 3। ये कट हो गया, तो x1 = x2 हो गया। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि f is 1-1, ठीक है? यही होता है ना, f is 1-1। अच्छा, दूसरा ऑन टू चेक करना है, ऑन टू नेचर। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? रेंज देखना है। रेंज बताओ, रेंज कितना हो जाएगा? रेंज देखो, यहाँ पे रेंज मतलब जो y है, y को डोमेन है यहाँ पे, और यहाँ पे y क्या है बता ना, y क्या दे रखा है? y इज अ कलेक्शन ऑफ y भी कैसा है? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, सच दैट y इक्वल टू 4x + 3 फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप देखो कि यदि x नेचुरल नंबर है, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर से आएगी, तो इसमें जो भी y की वैल्यूज आएंगी, क्या वही जो भी y की वैल्यू आएगी वही कैपिटल y सेट बन जाएगा? बात समझ आया ना? तो यहां पे जो रेंज आएगा, क्या वो रेंज इज इक्वल टू कैपिटल y आ जाएगा? चेक करो। अरे यही तो कह रहा है कि x कहां से आना चाहिए? नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो y आएगा। तो y किसका? y का कलेक्शन क्या है? कैपिटल y, और y ही क्या है? कोडोमेन है। सो मतलब रेंज इज कैपिटल y इज इक्वल टू कोडोमेन। दिस इंप्लाय f इज ऑन टू फंक्शन हो गया। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या क्या हो गया? 1-1 on 2। दिस इंप्लाय f इज बोथ 1-1 and on 2, और यू कैन से f इज bijective। दिस इंप्लाय f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है कि फंक्शन f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, है ना? क्या इतनी बात समझ आई? ये प्रूफ कर पाए कि कैसे प्रूफ करोगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है? तो आपको ये दोनों ही नेचर प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसे है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। समझा? नोट करो फटाफट, नोटेड डाउन। हाँ, वो भी करते हैं। अभी इसमें एक और दूसरा तरीका बताना है, यदि आप ऐसे नहीं करते तो दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। फॉग ऑफ वाला इसको हटा दे। इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, उसके बाद इनवर्स निकालना आसान है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। मेथड दूसरा है, दूसरा मेथड क्या है? मेथड नंबर 2। क्या मेथड था? कि कोई गिवन फंक्शन वाई n to y है, तो एक फंक्शन हमें ढूंढना है जी कैसा, वाई टू एन। एक फंक्शन हमें क्या ढूंढना है? हाँ, वाई टू एन। एक ऐसा फंक्शन हमें ढूंढना है जी वाई टू एन, सच दैट कि एफ ऑफ जी एक्स
अब जी का ये वाई है, तो यहां पे एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई हो पहला, और दूसरा कंडीशन क्या फुलफिल हो रहा होगा, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ये किस बात पर निर्भर करेगा, कि यदि हमें एक फंक्शन जी मिल जाता है जो वाई टू एन हो, एक फंक्शन जी मिल जाता है जो वाई टू एन हो और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, तो फिर हम क्या बोलेंगे, जी क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ आए? सो अपने एक काम करते हैं कि जी फंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो एक पूरा रिवर्स फंक्शन है। कैसा है? रिवर्स में मतलब कि यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जो भी एफ एक्स गिवन है 4x+3 लिख रख देंगे, इस तरह से रखेंगे। और हमारे एम क्या होना चाहिए, देखो अभी y इन टर्म्स ऑफ x है, तो अभी हमें रिवर्स में चलना है, पूरा रिवर्स y टू n है ना, यहां से n से y फंक्शन था, तो g क्या है, रिवर्स में, इनवर्स फंक्शन रिवर्स में जाना। तो कहने का मतलब है कि अपन x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अपना एम क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म्स में आप लिख दीजिए। तो अब यहां पे स्टेप नंबर टू कर रहे हैं, स्टेप टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 3, और x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और ये स्टेप नंबर टू यहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर थ्री आता है इसमें, स्टेप नंबर थ्री आता है, ये आता है डोमेन चेकिंग। चूंकि यहां पे तो एक ही फंक्शन है, तो यहां पे ये स्टेप अप्लाई नहीं होगा। डोमेन चेक का करने का मतलब है, कई बार कुछ समय ऐसे होंगे कि जब आप इस फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y लिख रहे होंगे, तो वहां पे मल्टीपल फंक्शन बनने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक में x की कितनी वैल्यू आती, 2 आती कि नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता। क्यूबिक होता तो 3 आती। सो यहां पे कई बार मल्टीपल फंक्शन बनने की पोजिशन आ जाती है, मल्टीपल सिचुएशन बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो उस समय फिर हमें क्या करना होता है, डोमेन चेकिंग करनी होती है। इस समय ऐसा नहीं है। फिर नाउ स्टेप नंबर जो इसमें 4 होता है, कि जैसे एक ही आ रहा है तो अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, रिप्लेस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एफ इनवर्स एक्स से, और वाई को रिप्लेस कर देते हैं एक्स। ये जो एफ इनवर्स है यही अपना क्या है, ये जी एक्स है बेसिकली, यही क्या हो जाएगा, जी एक्स जो रिवर्स फंक्शन है यही। क्या ये बात समझ है? सो अब यहां पे हमें यदि एक फंक्शन ढूंढना था जी वाई टू एन, तो हम कौन सा फंक्शन ढूंढेंगे, यहां पे देखो ये पूरा वाई का फंक्शन हो गया, तो इस स्टेप पे आते ही हम क्या करेंगे, लेट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। हमने ये अज्यूम कर लिया कि जी एक फंक्शन है वाई टू एन, और जी वाई कितना हो जाएगा, वाई माइनस 3/4। क्या ये बात समझ आए? सो यदि अपन ने ये फंक्शन अज्यूम कर लिया, ये फंक्शन एज्यूम कर लिया है जी ऑफ वाई इज इक्वल टू, क्या एज्यूम किया है बाय द वे, वाई माइनस 3/4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले देखते हैं एफ ऑफ जी वाई कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये चाहिए ना। अब देखो यहां पे एफ एक्स क्या था, ये है, तो 4gy+3, और ये कितना हो गया, 4gy, gy इज बेसिकली y माइनस 3/4+3, ये कट हो गया, तो y माइनस 3+3 ये कट कर देते हैं,
वाई आ गया, मतलब ये क्या बन गया, आई आई वाई हो गया ना। आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई बन गया कि नहीं बन गया। सो एक कंडीशन अपन ने बना लिया। इन द सेम वे अपन क्या करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, कौन सा, जी ऑफ एफ एक्स चेक करेंगे। जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, देखो जी एक्स, जी ये यहां पे है तो वाई की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। तो दैट इज एफ एक्स माइनस 3/4। और एफ एक्स बाय द वे है क्या, एफ एक्स क्या है, 4x+3। सो 4x+3 माइनस 3/4, ये कट हो गया और क्या बना, x बना। और यही x क्या है, दिस इज आई एक्स, नोट इट डाउन। तो आपने क्या देखा कि यहां पे भी आइडेंटिटी फंक्शन बन गया और ये भी आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाय f इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल कि फंक्शन एफ क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि इनवर्स क्या है, तो इनवर्स क्या होगा, यही तो फंक्शन होता था डेफिनेशन में। यदि हमें एफ एक फंक्शन जी ऐसा मिल जाता है जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते थे, तो जी क्या हो जाता था, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। सो बेसिकली यहां पे जी वाई क्या है, ये दे रखा है ना, मतलब जो एफ इनवर्स होगा वो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। अब देखो यहां पे ये y के टर्म्स में है, जबकि अपन ने क्या लिखा है, f इनवर्स x। तो यहां पे y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3/4। बस यही आंसर है, इनवर्स फंक्शन इनवर्टिबल है। यदि इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स क्या है, x माइनस 3/4। क्या इतनी बात समझ है, बाइजेक्ट, हाँ तो दोनों इस तरीके इनवर्स के लिए अभी तरीके स्टेप बताए थे ना बीच में, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, हाँ हर एक उसमें वही सारे स्टेप लगाने हैं इनवर्स निकालने के लिए। पहले क्या लिखना है बताओ, वाई इज इक्वल टू दिस लिखें, दूसरा एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई करें, तीसरा जब x को इन टर्म्स ऑफ y करते हैं तो यदि मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ x मल्टीपल x मिलते हैं, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ x के फंक्शन जो है वो हमें हटाने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि वहां पे डोमेन चेक करना पड़ेगा, डोमेन चेक करेंगे, डोमेन चेक करने के बाद क्या होगा, कोई एक फंक्शन ही उसमें बचेगा, और वहां पे फिर x की जगह किसे रिप्लेसमेंट, f इनवर्स x, और y को x से रिप्लेस कर देना। इसको हटा दे बच्चा, है ना। इसमें देखो ध्यान से, यहां पे जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है x टू y, y इक्वल टू एफ एक्स, तो f इनवर्स कहां से कहां तक हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा y टू x हो जाएगा, और y इक्वल टू f इनवर्स x। तो देखो जैसे अपन ने क्या लिखा था, पहला कंडीशन क्या था, इसको ही अपन क्या बोल देते थे, g बोलते थे ना, g इनवर्स को। सो यहां पे लिखा था क्या, एफ ऑफ जी ए जी वाई इज इक्वल टू वाई ना, या आई वाई की बात कर रहे हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बताओ, इसी चीज को यदि इनवर्स के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। क्या ये कंडीशन समझ आए, ऐसा होता है, यही तो किया था अपन ने। तो अब बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वो शुरुआत में आपको समझाने के लिए ये बता दिया। अब ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलेगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन अपन को क्या मिला था कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। इसी चीज को अपन क्या लिखेंगे बताओ, जी की जगह क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, बताओ एक्स कहां से कहां तक है, एक्स किसके डोमेन में है भाई दबे, एफ के डोमेन, सो फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो देखो ध्यान से ये कंडीशन और यही बेस होगा आपका आईटीएफ के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो जब अपन पढ़ेंगे वहां पे तो स्टार्टिंग ही इन दो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, समझा अभी क्या। इसको हटा दें बच्चा, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा ये। सो जैसे आप लिख दो, एक वो मेथड बीच में वो भी बताई देते हैं, राइट ऑन मेथड टू फाइंड इनवर्स या स्टेप्स, ऐसे लिख दो स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स, है ना। थोड़ी देर पहले आपने यही क्वेश्चन किया था, तो पहले क्या करेंगे, राइट ऑन स्टेप नंबर वन, बार बार आपको यही करना है। स्टेप नंबर वन क्या होगा, राइट वाई इक्वल टू एफ एक्स, राइट वाई इक्वल टू एफ एक्स ये बनाना लिखना है। सबसे पहले तो आप वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख लीजिए। दूसरा स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू क्या है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दीजिए। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री है चेक फॉर एक्स, चेक फॉर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स और नॉट। बेसिकली इसी को अपन नाम दे रहे हैं डोमेन चेकिंग, डोमेन चेक चेकिंग, इसी स्टेप नंबर थ्री को डोमेन चेकिंग नाम दे रहे हैं। और यहां पे जो यदि मल्टीपल एक्स मल्टीपल वाई के फंक्शन मिलते हैं एक्स के लिए, तो वहां पे डोमेन की हेल्प से आप अपना एक फंक्शन जो भी इनवर्स होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर फोर, इसमें क्या है कि रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स एक्स एंड वाई की जगह आप एक्स रिप्लेस कर दीजिए, और जो भी मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, सीधा क्या मिलेगा, एफ इनवर्स एक्स, वट एवर यू विल गेट। देखो शुरुआत में यहाँ पे एक्स इन टर्म्स ऑफ कोई जी ऑफ वाई का फंक्शन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा, तो अभी क्या करेंगे, एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स रख देंगे और वाई कुछ वाई की जगह एक्स, तो मतलब एक्स के टर्म्स में बन जाएगा बेसिकली। So, जो फंक्शन बनेगा वो सीधा क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स एक्स बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, समझ आए, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है compute the inverse of following
रिंग बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव्स पहला लिख लो, फर्स्ट वन एफ एक्स इक्वल्स 10 to power x plus 1। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स 1 ln x + 2। थर्ड लिखो एफ एक्स इक्वल्स 2 to the power x upon 2 to the power x plus 1। एंड फोर्थ लिखो एफ एक्स इक्वल्स 1 ln x - 1 upon x plus 1। आंसर करो, सॉल्व देम वन बाय वन। आगे क्या देखो, एक मैं करके दिखाता हूं, है ना, पहला वाला कैसे करेंगे स्टेप। हंसता बच्चा देखो, इधर सबसे पहले क्या करना है, पहले का जो सबसे पहले तो y = 10 to power x plus 1, ऐसे x स्टेप नंबर वन यही था ना। और फिर क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में लिखना है, x को y के टर्म्स में। तो क्या करें, देखो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉग ले लें दोनों तरफ, तो ln y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वन ln 10 ना, इसका लॉग लेंगे तो x प्लस वन बाहर आ जाएगा, ऐसा मिलेगा। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि log y टू द बेस 10 डिवीजन में आ जाएगा, बेस 10 इज इक्वल टू x प्लस वन। और अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 ln y to the base 10, ऐसे बन गया। देख लो ध्यान से, ऐसा किया ना, सबसे पहले y इक्वल टू जो गिवन है ये कर दिया, फिर यहाँ से कैसे x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा प्रोसेस आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इस स्टेप पे आ गया, तो अब देखो यहाँ पे x का एक ही फंक्शन बन रहा है, मल्टीपल नहीं है, एक ही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को रिप्लेस करना है किससे, f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस करना है x से। सो यहाँ पे यही नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिला, -1 ln x to the base 10, बस यही आंसर। बस समझ आए, प्रोसेस समझ आए, जल्दी से फटाफट इन तीनों का आंसर करो, विज्ञान आंसर करो। आंसर निकालो वन बाय वन।
सेकंड का आंसर आया क्या? देखो सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड वन क्या करें, y इज इक्वल टू वन प्लस एल एन एक्स प्लस टू लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, y माइनस वन इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस टू, एल एन एक्स प्लस टू। अब यहां पे x प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू पावर y माइनस वन, क्लियर। x प्लस टू इक्वल टू ईट द एल एन है ना, लॉग नेचुरल लॉग है, तो ई टू पावर वाई माइनस वन। सो x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस ई टू पावर वाई माइनस वन, ऐसे हो गया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस ई टू पावर y की जगह x रख देंगे, बस ये दूसरा इनवर्स हो गया, इसका इनवर्स ये हो गया। क्या ये बात समझी, क्लियर? अच्छा इसको बताओ ये कैसे करेंगे, इसका इनवर्स निकालो, तीसरा थर्ड वन, थर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का देखो, y इज इक्वल टू 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 द पावर x अपॉन टू की पावर x प्लस वन करेंगे, ठीक है। इसको अपन अपॉन वन लिख सकते हैं, और y अपॉन वन माइनस y इज इक्वल टू 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 पावर x अपॉन टू टू पावर x प्लस वन माइनस टू टू पावर x, ऐसे कर सकते हैं, कंपोनेंट डिविडेंडो वाला मेथड। अपने क्या किया, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो ये आ गया, मतलब इससे ये कट हो गया, टू की पावर एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग वाई अपॉन वन माइनस वाई टू द बेस टू, मतलब एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन वन माइनस एक्स टू द बेस टू, चेक करो क्या ये सही है। फोर्थ वन कैसे इनवर्स निकालोगे, फोर्थ का अस्ता बच्चा, फोर्थ स्पीड अप, तीसरा हो गया था, थर्ड वन लास्ट वन है, फोर्थ कैसे करेंगे ये थोड़ा देखना है। फोर्थ देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे यहां पे, फोर्थ में y इज इक्वल टू वन प्लस टू साइन x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, ये फंक्शन है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। अब देखो यहां पे x को y के टर्म्स में लिखना है, x को, तो ये x माइनस वन अपॉन x प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अपन लिखेंगे साइन इनवर्स बेसिकली y माइनस वन बाई टू। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, है ना, यदि इस तरह से गिवन है तो यदि इसको लिखना है तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स y माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे देखो हमें x लिखना है, x के टर्म्स में लेके आना है,
तो क्या कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये कर लेता है ना। या तो फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो न्यूमरेटर में 2x आ जाएगा, और इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। और जो यहाँ इस लेफ्ट साइड किया वही राइट साइड में प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। यदि ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना है तो 1 प्लस साइन इनवर्स y माइनस 1/2 अपॉन 1 डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो 1 माइनस साइन इनवर्स y माइनस 1/2 ऐसा हो गया। अरे भाई यहाँ पे ये तो कट हो गया, अब x को किससे रिप्लेस कर दें, f इनवर्स x से, सो 1 प्लस साइन इनवर्स और y को रिप्लेस कर देते हैं x से ऐसा, अपॉन 1 माइनस साइन इनवर्स x माइनस 1/2। तो क्या ये बात समझ आए, और यही फंक्शन का इनवर्स हो गया। तो तुम्हें वो जो चार स्टेप हैं वो हमने बताए कि इनवर्स निकालने के लिए वो चार स्टेप क्या क्या है, तो आई थिंक इन चार क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डील करना है, इनवर्स कैसे निकालना है, ये समझ आ गया होगा, समझा। अभी वो जो डोमेन वाली जो प्रॉब्लम है उनसे कैसे निपटते हैं वो देखते हैं, ठीक है, और वो भी अपन कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर वेट कंसीडर कंसीडर एफ आर प्लस टू फोर टू इन्फिनाइट गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर। Show that f is invertible with f inverse y is equal to under root y minus 4, where R plus a set of all non-negative real numbers. क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे।
मिला क्या बच्चा? हाँ सर, देखो करना क्या है, कैसे करेंगे, हंसता समझा है क्या? ये पहले तो अपन को ये देखना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स वाई ये आएगा। तो अपन क्या करेंगे कि वन वन चेक करेंगे और वन टू चेक करेंगे। बस लिखो वन वन नेचर, वन वन फंक्शन चेक करेंगे, वन वन नेचर चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r प्लस, कोई दो नंबर है x1 x2 जो कि इस डोमेन में है, और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्या क्या वैसे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके हैं, वन 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 टू कर लेते ना। यदि अपन जेई मेन में देखेंगे तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, वन 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 टू चेक करना है। और यदि बोर्ड में लिख रहे हैं तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन करना पड़ेगा। यदि बोर्ड में आप जा रहे हो तो कैसे जाओगे, कंपोजिट फंक्शन के मेथड से जाओगे। हाँ, और यदि जेई मेन में आप देख रहे हो तो सिर्फ वन वन और वन टू चेक करना क्या? हाँ कर सकते हो आंसर, मतलब लेकिन उतना रिलायबल है नहीं, मतलब सही होता है तो ना। देखो 10 तरह के टीचर है बोर्ड में, कौन सा कैसे चेक करता है ना, कितने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फॉग ऑफ से करोगे तो उसमें मार्क्स नहीं कटेगा ऐसा, ठीक है। ये वन वन ऑन टू नेचर हमने जो मेन डेफिनेशन है उसे ड्राइव किया हुआ है, समझा ऐसा। सो अब यहाँ पे ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस फोर, ये कट कट होगा। यहाँ पे देखो एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, ऐसा होगा। तो क्या ये वन वन है कि नहीं है, कैसे, ये तो दो आ रहे हैं ना। हाँ अब देखो यहाँ पे ये कैसे आर प्लस है ना, सो एक्स वन कैन नॉट बी माइनस एक्स टू, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x1 x2 कैसे हैं, दो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं बेसिकली, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव के इक्वल कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। x1 कैन नॉट बी इक्वल टू, इसका मतलब है क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा। सो दिस इंप्लाई f इज 1 1, f इज 1 1 बेसिकली, f 1 1 हो गया। अच्छा ऑन टू की बात करें तो यदि हम देखें रेंज के बारे में, सेकंड चेक करना है ऑन टू नेचर, ऑन टू तो रेंज बता दो कितनी आ जाएगी इसमें। तो यदि अपन जीरो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर में जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है, जीरो जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, फोर है ना। और इसका यदि आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे फोर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डोमेन है वो r प्लस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ जीरो से ऑनवर्ड है, जीरो से यहाँ तक है, तो मतलब ये वाले पोर्शन आप हटा दीजिए इसमें, तो ग्राफ यही होगा ना। ऐसे ग्राफ को देख के आप क्या बोल सकते हो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वन वन होगा, वन वन होगा। और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज क्या हो जाएगा, फोर से इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं फोर टू इन्फिनिटी, और यही किसके इक्वल है, दैट इज कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब है कि एफ इज ऑन टू, तो अब एफ बाइजेक्टिव हो गया, सिंपल है, एफ इज बाइजेक्टिव ऑब्जेक्टिव हेंस इन्वर्टिबल, बाइजेक्टिव बन गया तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब इन्वर्टिबल है तो ये कहेगी बताओ इनवर्स क्या है, यदि इन्वर्टिबल है तो इनवर्स फंक्शन बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, सेम तरीका अप्लाई करते हैं कि अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अब अपन क्या निकालने वाले हैं, इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स
एक्स फाइंडिंग चल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस y, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस y, चेक करो, देखो ध्यान से, अभी देखो यहां पे दो फंक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहे, हर्षिता देखने को मिल रहा है, देखो क्या क्या मिल रहा है बताओ, x इक्वल टू प्लस अंडर रूट 4 माइनस y और माइनस अंडर रूट 4 माइनस y, दो है। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन इनवर्स जो है वो यूनिक आता है, आगे अपन ये प्रॉपर्टी में प्रूफ करेंगे कि किसी भी फंक्शन का, बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो एक यूनिक फंक्शन होता है। तो एक ही फंक्शन वहां पे हमें चाहिए, दो नहीं आएंगे, तो एक हटाना है, कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन चेक करना पड़ेगा, डोमेन डोमेन क्या है, आर प्लस, और यहाँ पे यदि हम वाई पुट करें कुछ, तो एक तो प्लस आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, अंडर रूट कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव, अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बताओ यदि हमें इसके साथ सामंजस्य बिठाना है, इसके साथ कंकॉर्डेंस बिठाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा कि माइनस लेना पड़ेगा, प्लस वाला साइन लेना पड़ेगा ना, माइनस को हटा देंगे, तो माइनस को आप हटा दीजिए, माइनस हटा दिया तो यही इनवर्स हो गया। तो कहने का मतलब कि जो एफ इनवर्स एक्स है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स, और चूंकि यहाँ पे एफ इनवर्स वाई दे रखा है, तो एफ इनवर्स वाई कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 माइनस वाई इसमें, लेकिन हाँ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, कहाँ से कहाँ पे होगा, आर प्लस, जो फंक्शन की डोमेन है ये जरूर लिखना पड़ेगा, आर लिख दो, कुछ गड़बड़ कर लिया अपन ने, हाँ क्या गड़बड़ किया बताओ, एफ इनवर्स की डोमेन होगी ना, एफ इनवर्स की डोमेन उल्टा हो गया ना, 4 से इनफिनाइट, तो क्या होगा, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू 4 से इनफिनाइट, ये गलती कर रहे थे। सो क्या ये क्वेश्चन समझ आए कि कैसे अप्रोच करें, उससे रिलेटेड थ्योरी जो है किस तरह से अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, इसको हटा देता हूं, क्या क्वेश्चन है बाय द वे, लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ एफ 1 टू इन्फिनाइट टू 2 टू इन्फिनाइट, है ना, लिखते रहो, इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 1/x, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स, आंसर करो, आंसर इट। बोर्ड में इनवर्स निकालना है ही नहीं, हटा दिया है आई थिंक, अच्छा इनवर्स, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें दिख नहीं रहे, इसमें हटा दिया गया,
दोनों को खैर दोनों में हटाते हैं। बाइनरी तो बहुत पहले निकाल दिया था, अभी का मतलब इनवर्स निकालने वाले एक भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में दिख नहीं रहे, ऑल इन वन है और वो भी बुक है दूसरी। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 में पीवाईक्यू में, वो भी देख लेते हैं। ज्यादातर 1-1, 1-2 प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, 1-1, 1-2 प्रूफ करने वाले हैं। 3 मार्कर्स है, 4 मार्कर है इसमें। हो गया, खत्म हो गया चैप्टर ही खत्म। इनवर्स नहीं निकलवाया इन्होंने, 1-1, 1-2 सो दैट फंक्शन नेम बाय 1-1, 1-2 बस और कुछ खत्म। बट जेई एडवांस में आ सकता है, जेई मेन में भी देख लेते हैं क्या है पोजीशन। इसमें भी इनवर्स नहीं निकलवा रहे हैं, ज्यादातर जेई मेन में भी क्वेश्चन आया नहीं है इनवर्स निकालने वाला। ठीक है, तो चलो, लेकिन इससे रिलेटेड थ्योरी अप्लाई हो रही है, होती रहेगी। अब यहाँ पे क्या करें बताओ जल्दी से, आंसर मिला क्या अभिज्ञान? हाँ तो करो आंसर निकाल। सबसे पहले क्या करना है, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x ऐसे लिखो। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब पूरा x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस इसको इधर ले जाओ प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, देखो ये x में क्वाड्रेटिक बन गई है, क्या बन गई है, x में क्वाड्रेटिक, तो इसके रूट भी निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस वाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a1c1/2a1। क्या ये बात समझ है? सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। देखो ध्यान से, ये ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नहीं ना। अरे यहां पे दो फंक्शन बन रहे हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, कैसे चेक करेंगे कौन सा होगा, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना। तो अब देखो यहाँ पे y पुट कर रहे हैं, y कहाँ से कहाँ तक है, 2 से इनफिनिटी ना, मान लो 2 रख दे तो ये 2 हो गया और ये 0, अंडर रूट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यदि हम 2 रखें और ये पॉजिटिव नंबर, तो 2 प्लस समथिंग होगा डिवाइड बाय 2 मतलब 1 प्लस समथिंग होगा, तो x 1 प्लस समथिंग तो आ सकता है। यदि माइनस रखें तो ये क्या होगा, 2 माइनस समथिंग डिवाइड बाय 2 मतलब ये क्या होगा, फिर 1 से कम होगा। तो x 1 से कम हो सकता है क्या, यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो डोमेन चेक की ना, तो अपन ने क्या क्या करेंगे बताओ, कौन सा पार्ट रखेंगे, पॉजिटिव रिटेन रखेंगे, नेगेटिव हटा देंगे, क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। सो अभी अब देखो यहाँ पे f इनवर्स x क्या लिख देंगे, x की जगह f इनवर्स x और y की जगह x, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4/2। क्या ये बात समझ है, हटा दें इसको, क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट नहीं ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा। अभी देखो आपने डोमेन चेक किया था, तो डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लिया जाएगा, है ना। मोस्टली पॉजिटिव ऐसे क्वेश्चन है कि मोस्टली पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन यदि हम ये कहें कि नहीं पॉजिटिव ही आएगा ये तो गलत ही कर देंगे। डोमेन चेकिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से अपन यहाँ प्लस या साइन डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, राइट ऑफ क्वेश्चन लिखो। ये आईआईटी में बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन था, है ना, जब तो हम भी पैदा नहीं हुए थे, राइट ना। इफ एफ बहुत पुराना है, इफ एफ वन टू इन्फिनाइट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स 2 to the power x x minus 1, then find f inverse x। अच्छा आंसर करो, अभी आंसर आ जाना चाहिए तुमसे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। हाँ चलो बता देता है, करना कैसे, हंसता है क्या आंसर, बोला नहीं बोला। तो अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 की पावर x x माइनस 1, तो x x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log y टू द बेस 2, है ना, एक्सपोनेंशियल को log में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x और माइनस log y टू द बेस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गए। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4a1c माइनस log y टू द बेस 2 अपॉन 2a, देखो ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो यहां फिर से ये चीज है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, है ना, हाँ, तो यहां से फिर से वही डिसीजन लेंगे कि अंडर रूट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होता है, अंडर रूट क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, वाई वन रख दें तो कुछ भी आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, और ये भी देखो ध्यान से, हाँ, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, एक्स यदि 1 पर रख दें, देखो ध्यान से, सॉरी वाई वन रखें तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 आ रहा है। अच्छा 1 से ज्यादा जाएगा तो log y टू द बेस 2 कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा,
और ये 1 प्लस पॉजिटिव मतलब अंडर रूट कैसा होगा, 1 प्लस समथिंग आएगा ना, तो 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 प्लस समथिंग बाय 2, तो वो कौन सा इधर प्लस लेना चाहिए कि माइनस लेना चाहिए यहाँ पे? प्लस। माइनस लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये 1 प्लस समथिंग है, अंडर रूट की वैल्यू 1 प्लस समथिंग है, 1 माइनस 1 प्लस समथिंग मतलब नेगेटिव नंबर आने लगेगा, तो x नेगेटिव आएगा जो कि अपन को यहाँ पर नहीं चाहिए, इसलिए डोमेन चेकिंग में क्या आएगा यदि इन्वर्स करना तो फिर प्लस नहीं आएगा, क्या होगा सिर्फ माइनस आएगा। क्लियर हो गया ना कैसे प्लस लेंगे माइनस लेंगे? अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y की जगह x टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आई थिंक कि इनवर्स निकालना आ गया, तो ये अभी क्लियर, अभी ज्ञान एनी डाउट है ना, तो इनवर्स यहीं पे एंड करते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा फंक्शनल करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी करेंगे इनवर्स है ना, इनवर्स कैसे निकालते हैं ये सीख लिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं अपन, क्या करेंगे ब्रेक के बाद, अपन प्रॉपर्टीज करेंगे इनवर्स के, ठीक है।